Welcome back once again to my YouTube channel Learn Mathematics with Dr. Harish. तो अभी तक की स्टडीज में जो है पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि जो है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऐसे इरेशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। और अब हम आगे बढ़ने से पहले एक अपील फिर से करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है इरेशनल नंबर्स के ऊपर तो वो ऊपर लिंक दिया गया है, वो वीडियो देखें यह पता लगाने के लिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। आज के जो एपिसोड में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक केस है कि अंडर रूट ऑफ, में एक जनरल केस लेंगे और उसके ऊपर फिर हम स्पेसिफिक केस बना सकते हैं। यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका अंडर रूट है, उसको अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक अगर ये एक्स अगर इंटीजर होता तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो यहां पे हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रा करके हमने इसका देखना है कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, यानी कि आपका ओरिजिन है, इसको ओरिजिन को आप ओ लिख लो, और ये पॉइंट आपको मालूम है जीरो भी होता है, और इसके जो राइट साइड में आपको मालूम है ये वन, ये टू यूनिट, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहते हैं, और इसके जो लेफ्ट साइड में ये आपका माइनस वन, यानी कि राइट साइड में वन टू थ्री इस तरीके से बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू इस तरीके से बढ़ते हैं। नंबर लाइन के बारे में हमें पता है। अब हमने अंडर रूट एक्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है हम एक एक्स की जो यूनिट के बराबर हम लेफ्ट साइड में यानी टू द नेगेटिव साइड हम मार्क कर लेंगे। सपोज ये आपका है एक्स जो कि नेगेटिव साइड में है तो माइनस एक्स होगा, तो हमने ओ जो है यहां पे लिख देते हैं कि हमने ओ और इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए सपोज ए, ओ ए बराबर ले लेना है एक्स के, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के मार्क कर लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओ ए इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद जो है अब आपको मालूम है एक वन पॉइंट है ये, इसको आप मार्क कर लीजिए बी, यानी कि आपका ओ बी इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है, ये तो है ही है। अब देखें तो हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन। तो ये आपका यानी कि ए से लेकर के बी तक हो गया एक्स प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ए बी का सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट ज्योमेट्रिकली आपको मालूम है कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने सपोज इसका सेंटर पॉइंट जो है वो मान लीजिए जो है आपका यहां पर आता है, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सी आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब हम देखेंगे कि सेंटर पॉइंट सी आ गया, तो इसके बाद जो है सी को सेंटर मान के अब सी बी और सी ए बराबर होगा, तो हमने एक जो है सेमी सर्कल लगा लेना है ऐसे विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की सहायता से आपने एक सेमी सर्कल लगा लेना है। मैं रफली ड्रा कर रहा हूं बट आप कंपास की सहायता से इसको एग्जैक्टली ड्रा करेंगे ऑन पेपर, ठीक है। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। इस सेमी सर्कल को ड्रा करने के बाद फिर हमने ए जो पॉइंट हमारा सेंटर था ओ, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना करके एक लगा देना है वर्टिकल, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट था ओ, यहां से एक वर्टिकल लगाया, वर्टिकल में एक 90 डिग्री का एंगल बना करके ये पॉइंट मार्क हो गया सपोज डी, ओके। अब सी और डी को आपने मिला देना, सी और डी को मिला दिया। अब देखो क्या हुआ, यानी कि अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमारा सी जो है सेंटर पॉइंट है तो इसलिए सेंटर पॉइंट किसका है, ए और बी का, तो इसलिए ए सी बराबर किसके होगा,
अब क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में ये एक रेडियस भी होगा, तो ये बराबर होगा सी डी के। तो ए सी बराबर बी सी बराबर सी डी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई टू। ए बी डिवाइडेड बाई टू क्योंकि हमने पूरा ए बी है, ए सी इसका सेंटर पॉइंट था, तो इसलिए ये बीइंग सेंटर पॉइंट ए सी बराबर बी सी होगा, और यही हमने सेमी सर्कल लगाया है, और सेमी सर्कल का ये रेडियस है, इसलिए सी डी ये सारे तीनों आपस में बराबर होंगे, और ये ए बी बराबर टू होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ए बी आपका एक्स प्लस वन है, तो ये आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, सो यानी कि ए सी बराबर बी सी बराबर सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल देखिए आप, नाउ ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी जो है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने यहां पे राइट एंगल बनाया है एट ओ, सो ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के नाते हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने ट्रायंगल ओसीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपका इसका हाइपोटेन्यूज है, यानी कि सीडी इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी कि इट विल बी इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें CD की जो वैल्यू है वो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। OC की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, ऐसे OD की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो लेट अस सी कि इसको हमने इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालना है। यहां पर देखिए कि हमारे पास पहले OC की वैल्यू निकालते हैं, OC की वैल्यू जो है आपका OC इज इक्वल टू AO माइनस ए सी। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ए ओ माइनस ए सी, दिस इज इक्वल टू ए ओ क्या है, ए ओ हमने यहां पे लिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू एक्स, यानी ए ओ इज इक्वल टू एक्स माइनस ए सी, ए सी हमारे पास यहां पर है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम 2x माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, दोनों को माइनस कर देगा, माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू ये बन जाएगा x माइनस वन बाई टू, यानी कि अब हमारे पास OC की वैल्यू आ गई, और CD की वैल्यू हमें पता है कि CD की वैल्यू क्या है, CD इज इक्वल टू x प्लस वन बाई टू। अब लेट अस सी, इससे हम दो वैल्यू पता चली गई, ओडी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसी इक्वेशन में दैट मींस ओडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीडी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि ये उधर चला जाएगा और पूरा हमने फ्लिप कर दिया है ना। कैसे ये ब्रिज रूल करते हैं, अगर आपको इस ब्रिज रूल के बारे में और फर्दर जानकारी लेनी है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको फ्लिप किया और OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर आया। इसके आगे हम यहां चलते हैं ऊपर, और OD की वैल्यू हमें निकालनी है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। CD की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी, CD इज वाज इक्वल टू इसके बराबर जो कि x प्लस वन था, CD इज इक्वल x प्लस वन बाई टू इसका होल स्क्वायर एंड माइनस ओसी। ठीक है, ओसी की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, दैट इज एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहां से हम निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। सो दिस इज इक्वल टू फोर जो आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसको खोलेंगे तो
यहाँ पे माइनस साइन आप पहले बाहर ले लीजिए, बाद में इसको ऑपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर की ब्रैकेट खोल देनी है और नीचे आपका फोर एलसीएम है ही है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड माइनस वन, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, इससे अंदर के सारे के साइन आपके बदल जाएंगे। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस का टू एक्स है, ये भी प्लस का टू एक्स है, तो ये एड हो जाएंगे, ठीक है, और सॉरी यहां पर ये प्लस आएगा, ये प्लस होना चाहिए, और यहां पर जो है आपका ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, और ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या बच गया, ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया OD स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि यहां से OD विल बी देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, यानी कि ये जो OD है इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ x के बराबर। वही हमने निकालना था कि अंडर रूट ऑफ x को जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वही हम सीख रहे थे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, क्योंकि अब हमारा यहां पर देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका अंडर रूट एक्स है, तो आप यहां से एक कंपास जो है पिन यहां पे रखेंगे और इसका जो है इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, सो दिस पॉइंट ओ से लेकर के इसको आप ई मार्क कर लीजिए, सो दिस ओ ई देन विल बी इक्वल टू, ओ ई देन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब क्योंकि x हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया है तो आपका ये कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज x की वैल्यू आपकी लेट x इज इक्वल टू 2.5, अगर x की वैल्यू 2.5 होगी तो यानी कि e विल बी इक्वल टू देन अंडर रूट ऑफ 2.5, ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू 2.5 है तो e विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.5, सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर ऑन द पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इतना कवर करने के बाद अब आपने 1.1 एक्सरसाइज ऑफ द सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक वो आपने पहले कर ली होगी, अब आप 1.2 और 1.3 भी कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन मैं अपनी आगे वीडियोस में दूंगा, और जो है इसको आप सोल्व करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको मैं डिटेल्ड में समझा दूंगा एज पर योर रिक्वेस्ट, अदरवाइज पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको अलग वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।